तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं न्यूज विद निखिल के एक और शानदार कमाल फ्रेश एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहली न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज है दिल्ली से, जहां पर CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली के LG को लेटर लिखा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा RTI से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और जो डिपार्टमेंट मेंशन किए हैं CIC ने वो डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन इसमें सबसे नोटिस करने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सारे डिपार्टमेंट्स वो हैं जिनका दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करती है और सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है इन डिपार्टमेंट्स को। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी न्यूज चैनल ने इससे रिलेटेड न्यूज या कोई प्राइम टाइम शो नहीं किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसे कहते हैं गोदी मीडिया। सरकार के इतने सारे लूपहोल्स होने के बावजूद सारे न्यूज चैनल एकदम शांत हैं। क्या है आपकी राय इस पूरे इशू के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर के बारे में बात करते हैं तो अगली खबर है IMF की तरफ से। IMF ने 2023 के लिए इंडिया की GDP का फोरकास्ट मतलब यानी अनुमान लगाया है कि जो GDP होगी वो होगी 6.1%। वैसे IMF ने कुछ दिन पहले 6.7% का अनुमान लगाया था, लेकिन अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया की GDP 2023 के लिए IMF ने 6.1% रखी है और बाकी देशों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है ये GDP। बाकी देशों की किसी की नेगेटिव में है, किसी की 1% 2% ऐसे है। अगर हम बाकी सारे देशों को देखें जो डेवलप्ड नेशन है जैसे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे देशों में इंडिया की GDP सबसे ज़्यादा है। और लेकिन इसमें हाईलाइट करने वाली बात पूरी IMF की रिपोर्ट में ये है कि इंडिया इतनी कम GDP के बावजूद, इतनी पॉजिटिव GDP के बावजूद इंडिया बाकी देशों के लिए एक इमर्जिंग मार्केट बना रहेगा। और जो अनुमान लगाया जा रहा है 2023 में IMF के द्वारा कि 2023 में रिसेशन आ सकता है, लेकिन इंडिया में रिसेशन की पॉसिबिलिटी एकदम जीरो है। अब आप देश की इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि इंडिया में रिसेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, इस पोजीशन के लिए, इंडिया की इस इकोनॉमिक पोजीशन के लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सरकार की पॉलिसीज को या बाकी और फैक्टर्स को। अगली खबर के बारे में बात करते हैं तो अगली खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना नाम को और शिवसेना के सिंबल को फ्रीज कर लिया था। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अलग अलग नाम और पार्टी सिंबल मिल चुके हैं। उद्धव ठाकरे को मशाल का सिंबल मिला है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ग्रुप को भी एक नया सिंबल मिल चुका है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफी टाइम लगेगा इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा कि शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल बहुत ही टेम्परेरी बेस पर फ्रीज किए गए हैं, जब तक कोई फाइनल डिसीजन इस पूरे केस में नहीं आ जाता। सिर्फ तभी तक के लिए शिवसेना का नाम और उसका पार्टी सिंबल फ्रीज किया गया है। जो भी डिसीजन होगा, चाहे एकनाथ शिंदे ग्रुप जीते चाहे उद्धव ठाकरे ग्रुप जीते, उसको सेना का नाम और पार्टी सिंबल दे दिया जाए। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने सक्सेसर का नाम सरकार को भेज दिया है और वो नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। और इसी के बाद लगभग फाइनल हो चुका है कि देश के 50th यानी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगली खबर है गौतम अडानी की तरफ से कि अडानी ग्रुप को अब फुल फ्लैश टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका है। ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्यों अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए अडानी ग्रुप ने। वैसे अडानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम भी परचेज किया है। इसके बाद तो यही लगता है कि शायद कि देश में कोई नई टेलीकॉम कंपनी आ सकती है। क्या है आपका मानना अडानी ग्रुप ने जो लाइसेंस परचेज किया है टेलीकॉम का उसको लेकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं न्यूज विद निखिल का एक और एपिसोड। कैसा लगा आपको यह एपिसोड कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।